वर्जीनिया में अमृत संचार की मर्यादा को ठेस पहुंचाने को लेकर श्री अकाल तख्त ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसे लेकर सोमवार को पांचों तख्तों के जथेदारों की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लेते हुए वर्जीनिया के गुरुद्वारा प्रबंधकों को तलब किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा स्थापित अमृत संचार की मान मर्यादा को एक बार फिर अमेरिका के एक गुरुद्वारे में ठेस पहुंचाने पर सिख संगत में काफी रोष है। मामले में श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कड़ा संज्ञान लिया गया है। इस मुद्दे पर जत्थेदारों की बैठक बुलाई गई। मामले में श्री अकाल तख्त साहिब ने वर्जीनिया के गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों को अकाल तख्त पर तलब किया है और 4 जून तक का वक्त दिया है। हो गई कि वर्जीनिया के कुलदीप सिंह, गुरदीप सिंह, सुरिंदर सिंह, विजेंद्र सिंह नरूला ते उसके साथियों का कारा ना सहन योग इस करके है क्योंकि ये अपने आप नूं ग्रंथी जां प्रचारक अखवाउंदे हन। इस दे नाल ही मुद्दा मुख मुद्दा यह है कि उन्हां पंथ दुखियां दा असल हमला अते निशाना साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी ते है। 4 जून 2016 नूं अगली होरे इकत्रता श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब कीता जांदा है। अगे होर समा नहीं दिता जावेगा, ए पहला ते आखरी समा है। नहीं आउणगे ते पंथ दी राय अनुसार कारवाई कीती जावेगी। श्री अकाल तख्त की ओर से हिदायत भी दी गई है कि इस मामले में गुरुद्वारा प्रबंधकों को आगे वक्त नहीं दिया जाएगा। साथ ही एसजीपीसी को आदेश दिए गए हैं कि सारे मिशनरी कॉलेजों में सिलेबस को चेक किया जाए। प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तख्त साहिबान ते दे आदेश किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी गठित करे जो विद्यार्थियों नूं गुरमत विद्या देने वाले सारे गुरमत कालजां ते मिशनरी कालजां दा सिलेबस चैक करके रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब विखे भेजे। सारे गुरमत कालजां ते मिशनरी कालजां दा सिलेबस एक कीता जावे। जो गुरमत कालजां मिशनरी कालज इस एक कीते सिलेबस तों बाहर जाणगे उन्हां दी मानता रद्द कीती जावेगी। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा है कि इस संबंध में इंटरनेशनल सिख फेडरेशन की ओर से शिकायत मिली थी। गौरतलब है कि विदेशों में अमृत संचार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाए जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। वहीं सोमवार को संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का पार्थिव शरीर कनाडा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज बाबा हरदेव सिंह जी को अंतिम दर्शन का आखिरी दिन है। बुधवार यानी कल निगम बोध घाट पर बाबा जी को अंतिम विदाई दी जाएगी। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह कनाडा से दिल्ली लाया गया, जिसके बाद अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को बुराड़ी रोड पर ग्राउंड नंबर 8 में रखा गया है। अंतिम दर्शन मंगलवार रात तक किए जा सकेंगे। लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है। बाबा हरदेव सिंह जी का अंतिम संस्कार बुधवार को निगम बोध घाट पर किया जाएगा। बाबा जी के पार्थिव शरीर को 2 दिनों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसमें सभी जितने भी निरंकारी मिशन में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु सभी दर्शन कर पाएंगे और ये हमारा 18 तारीख सुबह 8 बजे तक दर्शन का प्रोग्राम चलेगा। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज की अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 8 बजे बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 से शुरू होगी और निगम बोध घाट पर खत्म होगी। बुधवार को ही बाबा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा। संत निरंकारी बाबा श्री हरदेव सिंह का सड़क हादसे में उस वक्त निधन हो गया था जब वो न्यूयॉर्क से कनाडा के मॉन्ट्रियल जा रहे थे। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बात जाट आंदोलन की। जाट आंदोलन के बाद से हरियाणा सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। एक बार फिर नेता विपक्ष अभय चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दोनों नेताओं ने पाठ्यक्रम से कई स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की जीवनी हटाने की खबर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो गुरुग्राम में अभय सिंह चौटाला। अलग अलग शहर में मीडिया से मुखातिब हुए अलग अलग पार्टी के इन दो अलग अलग नेताओं का निशाना एक ही था। दोनों जाट आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट सरकार की पोल खोल रही है। रिपोर्ट के जो अंश अब तक अखबारों में सामने आए हैं
उससे साफ है कि सरकार आंदोलन के दौरान हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इशारा बना रहेगा क्या था ये प्रकाश कमेटी, प्रकाश कमेटी का खुलासा, एसपी को रोहतक बुलाने से जैसे की हालत बिगड़ेगी, लेकिन सेना को नहीं मिले गोली का। ये क्या क्या प्रकाश सिंह कमेटी को केवल केवल अपने बचाव को और अफसरों को बलि का बकरा बनाने के लिए कमेटी बनाई है? क्या रिपोर्ट इस किस्म की आई है? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। आयोग के रूप में एक जिम्मेवारी सौंपी थी, उन्होंने भी अब साफ कर दिया कि 100 का 100% इस जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 100 का 100% जो है सरकार फेलियर की तरफ थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान किए हुए अपने वादों को निभा नहीं पा रही है, ये महज बदला और बदली की सरकार है। अभय चौटाला ने भी कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने महज लोगों को बांटने का काम किया है। खाली अपने बचाव के लिए दूसरे का दोषारोपण करना जो है, अब इनकी लोगों को पता लग गया, इनकी पोल खुल चुकी है, झूठ का बंडल है इनका और ये पूर्ण रूप से दोषी है। अपने आप को दोष से बचाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। इनके दो ही काम है, दो कामों पे लगे हुए हैं, बदला और बदली। ये केवल लोगों का ध्यान बांटने के, ये केवल लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करके लोगों के बीच में इसको लेकर के डिबेट। पाठ्यक्रम से ताऊ देवीलाल, चौधरी रणबीर सिंह समेत कई स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की जीवनी हटाए जाने पर अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की तीखी आलोचना की। का नाम उस पाठ्यक्रम में था वो हटा दिया, उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल का उसमें नाम था जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने के लिए एक अथक प्रयास किया था, उन 5-6 लोगों के नाम हटा करके ऐसे व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए जिनका ठीक है कि हमारे देश से सरोकार रहा है लेकिन हमारे प्रदेश में उनका कोई लंबा चौड़ा संघर्ष नहीं रहा। जाहिर है जाट आंदोलन हिंसा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे विपक्षी दलों को बैठे बिठाए पाठ्यक्रम वाला मुद्दा भी मिल गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इनेलो दोनों के सुर भी मिलते नजर आ रहे हैं। रोहतक से राज टाकिया के साथ गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय।